नमस्कार दोस्तों, IDFC फास्ट बैंक के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.63% की गिरावट आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखें तो स्टॉक में एक रेड कैंडल बनाया। पिछले कई दिनों से देखें स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आता आपको नजर आ रहा है। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे स्टॉक आप एग्जैक्टली एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है और बार बार अपने ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आ रहा है। तो अभी की कंडीशन के हिसाब से हमारे सामने जो सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है वो रहेगा 70.30 रुपये के पास में, और ऊपर की साइड में अगर रेजिस्टेंस की बात करो तो 73.7 का दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 75.78 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ रहा है कि स्टॉक के लिए ये जो लेवल है सपोर्ट लेवल है, बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछली बार भी यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, दोबारा यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ पर बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा। तो अभी जैसे इसके सामने क्लोजिंग दिया, इसके पास में क्लोजिंग दिया, तो संभावना ये रह सकता है कि सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेकडाउन करें तो यहाँ पर और भी गिरावट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की साइड में ये भी हमारे सामने रेजिस्टेंस लाइन रहेगा 71.8 और नेक्स्ट रहेगा 73.7। दोस्तों सभी कंडीशन को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर लिया है। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह या सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ बनाया गया, तो इस वीडियो को लाइक करें। सो धन्यवाद दोस्तों।